हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम ट्रॉपिकल साइक्लोन बिपरजॉय के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यहां पर हम जानने वाले हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन होता क्या है, बिपरजॉय का नामांकन किसके द्वारा किया गया और भी जुड़ी हुई चीज़ों को जानने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रॉपिकल साइक्लोन आपका जो भी आपका साइक्लोन होता है ट्रॉपिकल, वो रैपिडली रोटेटिंग स्टॉर्म होता है। यानी कि आपके जो भी बीच का जो पोर्शन होता है उसमें लो प्रेशर सेंटर हो जाता है और लो प्रेशर की वजह से आपके जो भी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस हैं वो आपकी स्ट्रॉन्ग विंड्स के रूप में ले लेती हैं। यहाँ पर आपका जो बीच वाला पार्ट होता है वहाँ पर आपकी ट्रॉपिकल साइक्लोन की आई देखने को मिलती है। ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में बिल्कुल बेसिक से डिस्कस कर रखा है इसी चैनल पर वीडियो, उसको भी आप चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मैं प्रोवाइड करा। इसकी वजह से आपके थंडरस्टॉर्म और आपकी हैवी रेनफॉल देखने को मिलती है। किसकी वजह से? ट्रॉपिकल साइक्लोन की वजह से। ट्रॉपिकल साइक्लोन के जो रीजनल नेम्स हैं वो अलग अलग हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपके इंडियन ओशियन में जो भी आपका ये पोर्शन है इसमें आपका साइक्लोन कहा जाता है, अटलांटिक में हरिकेन और वेस्ट पैसिफिक एंड साउथ चाइना सी में आपके टाइफून इसको कहा जाता है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में आपकी विली विलीज कहा जाता है। नाम वही है, ट्रॉपिकल साइक्लोन के ही अलग अलग नाम एरिया वाइज दे रखे हैं, राइट। इनसेट 3D के द्वारा आपके जो भी साइक्लोन्स हैं उनको हम कहीं ना कहीं ट्रैक कर सकते हैं कि उसका आपका इफेक्टिव एरिया कितना रहेगा, कहां पर रहेगा, जिससे हम कहीं ना कहीं उन एरियाज को खाली करा सकते हैं ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। तो ये आपके कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि IMD के द्वारा दिए गए हैं। अगर इनकी स्पीड, आपकी विंड की स्पीड अगर इस श्रेणी में रहती है तो उसको इस बात में कहा जाता है। ये आपकी कुछ कैटेगरीज दी हुई है, राइट। इसके साथ साथ साइक्लोन बिपरजॉय की बात करें तो जो आपका साउथ ईस्ट अरेबियन सी है वहाँ पर इसका ओरिजिन पॉइंट देखने को मिलता है। ये पोरबंदर से साउथ में आपके साउथ ऑफ पोरबंदर इन गुजरात देखने को मिलता है। ये आपका होम देखने को मिलता है, यानी कि घर देखने को मिलता है बिपरजॉय का, जहाँ से ये ओरिजिन हुआ है। ये आपका कहीं ना कहीं जो भी आपके वेदर सिस्टम है उसको ट्रैक IMD यहाँ पर कर रहा है। बिपरजॉय का मीनिंग अगर बात करें तो आपके सबसे पहले तो आपका बांग्लादेश कंट्री है जो कि ट्रॉपिकल साइक्लोन का नाम बिपरजॉय इसको रखा गया। बंगाली में इसको कॉलमिटी या डिजास्टर कहा जाता है, यानी कि एक त्रासदी कहा जाता है। IMD की वेबसाइट पे यानी कि कहा लिखा हुआ है कि जो भी आपके WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वो नेशंस को आपके टर्म चूज करने के लिए अधिकार देता है जो भी आपके नॉर्थ इंडियन ओशियंस में देखने को मिलते हैं, बे ऑफ बंगाल और आपकी अरेबियन सी, ठीक है। यानी कि बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी को मिलाकर आपका इंडियन ओशियन बनता है, तो यहाँ की जो कंट्रीज हैं उनको कहीं ना कहीं देता है। तो ये बिपरजॉय आपका यहाँ पर बांग्लादेश के द्वारा दिया गया है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो आपका जो भी डिप्रेशन है फिलहाल का अगर बात करें तो आपका राजस्थान में देखने को मिलता है। ये आपका अरेबियन सी है, इसमें आपका ओरिजिन देखने मिलता है और यहाँ से इस टाइप से आपका ये अफेक्ट कर रहा है, राइट। इसका अगर एरिया बात करें तो ये आपका कहीं ना कहीं ओरिजिन पॉइंट ये यहाँ देखा गया फर्स्ट टाइम। इसके बाद आपका ये आपका सबसे ज़्यादा यहाँ पर डैमेज किया है। ये आपका जो कच्छ का रन है वहाँ पर आपका फोरकास्टिंग जो आपका ऑब्जर्व किया गया वो आपके कुछ एरिया सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुए गए, यहाँ पर आपके इस एरिया में आपके बिल्कुल खाली करा दिया गया। यह आपका अरावली का पार्ट है, अरावली के पार्ट से इधर इधर आपका इस एरिया में काफ़ी इफेक्ट देखने में मिलता है। यहाँ पर बहुत सी तेज़ हवाएं चल रही हैं और यहाँ पर थंडरस्टॉर्मिंग और उसके साथ साथ रेनफॉल देखने को मिलती है। तो ये आपका साइक्लोन बिपरजॉय के बारे में डिस्कशन था। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल पर बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद।